छत्तीसगढ़ हमेशा नक्सलियों की वजह से सुर्खियों में रहा है, लेकिन सुकमा जिला पुलिस ने इस आतंक को खत्म करने के लिए कई तरीके खोज निकाले हैं। सुकमा पुलिस को नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत एक बड़ी सफलता मिली है। दरअसल धुर नक्सल प्रभावित इलाकों में जवानों की तेज सर्चिंग और सरकार की पुनर्वास योजना से प्रभावित होकर 9 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। सरेंडर करने वाले नक्सली संगठन के सदस्यों ने बताया कि छत्तीसगढ़ शासन के पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर समाज के मुख्य धारा से जुड़ने का काम किया है। उन्होंने बताया कि नक्सली संगठन के सदस्य बहकावे में लाकर आपराधिक दुनिया में धकेले जाते हैं, जहां हर दिन जिंदगी और मौत से जूझना पड़ता है। साथ ही इन नक्सलियों ने नक्सल विचारधारा को खोखली विचारधारा करार दिया है। एएसपी सिद्धार्थ तिवारी ने 9 नक्सलियों के सरेंडर करने की पुष्टि की है। इस अवसर पर सेना के कई अधिकारी भी मौजूद रहे। सरेंडर करने वालों में एक पति पत्नी का जोड़ा भी शामिल है, जिन पर लाखों रुपए के इनाम घोषित थे। इन नक्सलियों ने दर्जनों आपराधिक मामलों को अंजाम दिया है। कितना साल से नक्सल में काम कर? 2001 में किया था सर। कौन कौन से घटनाओं में शामिल है? मदनवाड़ा, अत्तीगोटा मतलब ये गढ़चिरौली है महाराष्ट्र में, मदनवाड़ा मतलब राजनांदगांव जाते हैं सर। अभी सरेंडर की हो क्या? सरेंडर नहीं, बहुत शहर से मैं काम किया था वहाँ से, लेकिन काम कर करके तक गया था, इसलिए मैं छोड़ दिया था काम। और माता पिता देख के फिर मेरा अच्छा नहीं लगा गांव में आने के बाद, फिर जाते समय फिर वापस आ गया था। जो अभी प्रारंभिक सूचना हमारे पास आई है उसके हिसाब से सुदाम हुंगा नाम का एक ग्राम पटेल था, जो कि कामापारा क्षेत्र जो कि जगरगुंडा थाना क्षेत्र के अंदर पड़ता है, वहाँ का ये ग्राम पटेल था। इसकी हत्या कर दी गई है और नक्सलियों के द्वारा, तथा कोई पर्चा भी फेंका गया है। सुरक्षा बल मौके पे पहुंचकर जो प्रारंभिक सूचना है उसकी तस्दीक कर रहे हैं, और जैसे ही हम और अपडेट मिलेंगे हम आपको सूचित करें।